सो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय आर्ट ब्लॉग। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं चैलेंज कर रही हूँ 365 डेज़ का, जिसमें मैं पर डे टू वीडियोस अपलोड करूँगी। मतलब एक एक वीडियो रहेगा, एक शॉर्ट वीडियो रहेगा। तो ये वीडियो के लिए मैं स्केच बना रही हूँ मोटिवेशनल स्पीकर का, जो यूट्यूब पे बहुत वायरल हैं। मतलब कि उन्हें बहुत लोग जानते हैं और उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं का स्केच बनाऊंगी आज। तो मैंने सारा काम वगैरह कर लिया है, वीडियो शूट करा था आज पहले सुबह, इंट्रो वीडियो था जो। फिर काम वगैरह करके मैं अभी लगभग 1 बज गई है, तो मैं अभी स्केचिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो देखिएगा स्केचिंग, अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करिएगा, अगर बेकार लगती तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी 1:04 हो रहा है, अब मैं अपनी स्केचिंग स्टार्ट करूँगी। तो ये शीट है जिस पे मैं स्केच बनाने वाली हूँ, और ये पेंसिल्स हैं और ये ब्रशेस हैं। ये वैसे तो मेकअप ब्रश है, पर इसी से अच्छे से मैं स्केच कर लेती हूँ, तो इसे यूज़ करती हूँ मैं। और रबड़ वगैरह है, जो जो मतलब यूज़ आएगा मुझे वो निकाल के रख लिया है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं HB की पेंसिल यूज़ करती हूँ रफ़ स्केच के लिए। तो अभी मैं रफ़ स्केच बनाऊँगी, देन उसमें जो भी शेड वगैरह है वो करूँगी। तो रफ स्केच फटाफट बना लेते हैं। और मैं संदीप महेश्वरी जी की स्केचिंग कर रही हूँ आज, जिनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। पहले भी मैं इनकी वीडियो देखती थी जब मैं स्टडी करती थी, तो मतलब कि ये इतने अच्छे से ये एक्सप्लेन करते हैं हर चीज़ को, कि खुद ब खुद मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन सीरीज़ में कर रही हूँ अभी, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर हो गए या फिर जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है उनके स्केच बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इनका ही स्केच बनाती हूँ, क्योंकि इनसे ही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आई थिंक बहुत लोगों को इनसे मोटिवेशन मिलता होगा, क्योंकि जैसे अभी इनके यूट्यूब चैनल पर मैंने देखे हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है आगे बढ़ने में, तो उनका भी इंटरव्यू ये लेते हैं, जिनसे और भी लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो चलो मेरा रफ स्केच तो बन गया है। अब मैं 6B की पेंसिल यूज़ करूँगी, जिससे मैं आउटलाइन कर पाऊँ अच्छे से। तो फटाफट आउटलाइन भी कर लेते हैं। एंड मुझे बताइए कि संदीप महेश्वरी जी के वीडियोस कौन कौन देखता है। अगर आप देखते हैं संदीप महेश्वरी जी के वीडियोस तो मुझे कमेंट करिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन हो कि मैं किस टाइप का वीडियो लाऊं अगला। वैसे तो मैं जो मेरा 365 डेज चैलेंज चल रहा है उसमें तो मैं पोर्ट्रेट ही बनाऊंगी, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं, आप जो सजेशन देंगे मैं वो वीडियो भी बना पाऊँगी। तो चलिए आउटलाइन तो कम्प्लीट हो गई है, अब शेडिंग करना है, तो फटाफट शेडिंग भी कर लेते हैं। तो चलिए शेडिंग तो होती रहेगी। और ये संदीप महेश्वरी जी का जो स्केच है, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो पता नहीं कैसा बनेगा स्केच। और ये आर्ट वीडियो भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही शूट कर रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मैं मोबाइल को रखूँ, कैसे शूट करूँ वीडियो को, क्योंकि एक स्केच करने में इतना टाइम लगता है कि इतने देर तक रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो मुझे अलग अलग पार्ट्स में रिकॉर्ड करना पड़ा, तो बहुत दिक्कत आई इसे। फिर एडिट करना पड़ेगा, तो एडिट करने में बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे अपलोड करने में लगता है 6 समथिंग 6 तो बजे जाएंगे, उसे भी ज़्यादा टाइम लग सकता। सो दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये स्केच, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने स्केचिंग की है, तो इतनी फिनिशिंग नहीं आ पाई है, बट डेली करूँगी तो आदत हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइस, तब तक ले बाय बाय। 357 हो गया गाइस।